now move on to the final speaker of the day. I think I would be quite unjustified in describing him, like Lieutenant General said, that we saw him yesterday on the television, and here we have him today. And we are very, very honored to have Shri Harivansh Ji, Deputy Chairman of Rajya Sabha, with us here today to deliver the last segment of the Conclave on Leadership as we see it. I would request Dr. Dhirendra Kumar Rai to kindly come on the stage and introduce him to the members of the audience. शुक्रिया चंद्रले 30 जून 1956 को उत्तर प्रदेश बलिया के सिताब दियारा गांव में जब एक प्रधान सेवक श्री बाके बिहारी सिंह जी और देवयानी सिंह के कुख से पुत्र रत्न पैदा हुआ तो शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि 27 टोलों के गांव से एक छोटा सा टोला जिसका नाम था दलजीत टोला वहां से एक व्यक्ति निकलेगा और सारे दलों को जीतते हुए सबके दिलों में अपनी जगह बना करके राज्यसभा का जो सभापति हो जाए स्कूल का कोई स्ट्रक्चर नहीं था आजादी के बाद और सिताब दियारा एक ऐसा गांव है यह वह दौर था जब विमल राय हिंदी सिनेमा के चित्रपट पे किसानों के यथार्थ के गीत रच रहे थे दो बीघा जमीन के बहाने भारत में भाषाई आधार पर भारत का राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था उस दौर में सत्यजीत रे पाथेर पांचाली के बहाने निश्चिंदपुर के गांव को तस्वीर में या केंद्र में रखकर 5 लाख गाँव का प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे वैसा एक गाँव सिताब दियारा भी था जिसे यह मंजूर नहीं था कि हम शायद भाषा के या राज्यों के भेड़ियों में जकड़े जाए वैसे में दक्षिण से गंगा और उत्तर से घाघरा के पाटों के बीच में फंसा यह गांव आज भी आरा बलिया और छपरा का गांव है दो प्रदेश और 3 जिलों का गांव है वैसे भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस गांव का ज्यादातर जनसरोकार बिहार से एक बिना स्ट्रक्चर के नीम के स्कूल के नीचे प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद 10वीं में अच्छे अंक लाए जब हरिवंश जी ने तो शायद हर पिता की यही आकांक्षा और अपने बच्चे से अपेक्षा रहती है कि वो आसमान की बुलंदियों को छू जाए उस दौर में शरीर की फिजिक्स केमिस्ट्री बदलते हुए शायद यह अभिभावक शायद नहीं सोच पाता है कि बच्चे की अपेक्षाएं क्या है लेकिन एक प्रधान सेवक का पुत्र होने के नाते हरिवंश जी में भी वह उत्सुकता शुरू से ही बनी हुई थी बावजूद इसके पिताजी ने अच्छे स्कूल की तलाश करनी शुरू की और यह लगा कि बच्चा बिहार जाएगा 70 का यह दशक था तब बिहार में नकल की शुरुआत भी हो चुकी और पिता अपने बच्चे के प्रति बहुत आसान्वित था और उन्होंने पता किया फिर बनारस में 2 कॉलेजों का जिक्र आया क्विंस कॉलेज और यूपी कॉलेज उसमें यूपी कॉलेज का नंबर अव्वल था और उन्होंने यह तय किया कि हमारा बच्चा यूपी कॉलेज पढ़ेगा जहां नकल नहीं हो बनारस प्रवेश दिलाया इंटरमीडिएट में भी अच्छे अंक आए इन 2 सालों में हरिवंश जी ने अपने अंदर अगर कुछ विकसित किया था तो वह बहुपठितता धर्म था वह पढ़ने की कला विकसित की थी इस पढ़ाई लिखाई के दौर में उनका साक्षात्कार कबीर से हुआ बनारस के एक छोर पे उनका साक्षात्कार रैदास से हुआ दूसरे छोर पे उनका साक्षात्कार तुलसीदास से हुआ और सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रभावित हुए तो वह साक्षात्कार बुद्ध का था ये चारों लोग उनको जेहन में बसे हुए थे इलाहाबाद में प्रवेश हुआ ग्रेजुएशन में हॉलैंड हॉल में कमरा भी मिला लेकिन मन नहीं लगा अचानक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिणाम आया और स्नातक में प्रवेश मिला और इलाहाबाद से छोड़ करके मार्क ट्वेन की उन पंक्तियों को दोहराते हुए कि मुद्दतों कायम रहेंगे इन दिलों में गर्मियां तुमने फोटो खींच लिया हमने नजर पहचान और इन पंक्तियों को दोहराते हुए इलाहाबाद से सीधा बनारस की तरफ रुख किया और फिर बनारस में जो हुआ सो आज तक जारी है आज हमारे बीच में है स्नातक की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की फिर प्रास्नातक की पढ़ाई इन्होंने अर्थशास्त्र विशेष इसी विश्वविद्यालय से की फिर पत्रकारिता में इन्होंने डिप्लोमा किया इस विश्वविद्यालय से और उसके बाद फिर बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा अधिकारी के पद पर नौकरी की उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक में इन्होंने एक बतौर प्रशासक काम किया लेकिन मन लगा नहीं मन तो कुछ और था नियति भी कहीं और ले जानी थी पत्रकारिता का रुख किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप से इन्होंने पत्रकारिता शुरू की लेकिन पहला लेख जनवार्ता के लिए लिखा अगर मैं सही हूं तो जनवार्ता के लिए पहला लेख लिखा टाइम्स ऑफ ग्रुप इंडिया की हिंदी पत्रिका धर्मयुग के लिए आपने उपसंपादन का काम किया
फिर उसके बाद आनंद बाजार पत्रिका के ग्रुप से आप जुड़े और उसकी रविवार पत्रिका के लिए आपने संपादन का काम किया, फिर उसके बाद भारतीय प्रेस संस्थान की पत्रिका रविवार का संपादन किया, और इस पत्रकारिता के संपादन सह संपादन के दौर में बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ती चली गई। मित्रों, आपके जेहन में शुरू से काशी का वो महात्म बसा हुआ था जहां परंपरा और आधुनिकता का एक अद्भुत समन्वय है, जहां तीन खंड केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और विश्वेश्वर की एकरूपता को स्थापित करने का भार सतत प्रवाहमान मां चंद्र मां गंगा पर था। शायद उस गंगा के हिलोरे हमेशा आपके मन में बसी हुई थी और वह प्रवृत्ति समाज सेवा के रूप में लगातार निखर और निवृत्त हो रही थी। इंडिया टुडे, आउटलुक ग्रुप और फिर उसके तमाम पत्र पत्रिकाओं ने आपके ऊपर कवर स्टोरी की। वह कवर स्टोरी सिर्फ और सिर्फ हरिवंश जी पर नहीं था। 1991 में एक मृतप्राय पड़ा था अखबार बिहार का प्रभात खबर, आपने नाम सुना होगा, आपने उसका संपादक पद संभाला था। यह वह दौर था जब वैश्वीकरण अपने चरम पे था और उसके नारे को लेकर के एक अलग तरीके की परिस्थितियां पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। जब एक क्षेत्रीय अखबार लगातार तुरंत राष्ट्रीय अखबार बनने की होड़ में लगा हुआ था, तब हरिवंश जी ने एक क्षेत्रीय अखबार को राष्ट्रीय अखबार नहीं बल्कि नागरिक अखबार बनाने का जिम्मा उठाया। अखबार कहीं भी राष्ट्रीय अखबार बनने की होड़ में नहीं था, सिर्फ नागरिक और नागरिकता से जुड़े हुए उन सवालों को संदर्भों में उठाने की कोशिश कर रहा था। शायद यह सीख वहीं से मिली थी जब मानस चतुर्दशी के समागम में जयप्रकाश जी का एक अभिवादन या अभिभाषण हुआ था इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और हरिवंश जी का साक्षात्कार पहले से बचपन के दिनों में था क्योंकि दोनों लोगों का गांव एक ही था। बावजूद इसके वो परिपक्वता तब आई थी, और फिर उस मेल मुलाकात के बाद इमरजेंसी के दौर के बाद जो चीजें शुरू हुई वो परिपक्वता आपने बहुत आसानी से अर्जित की थी, और वह अनुभव धीरे धीरे सामने आने लगा था। उस अनुभव के विहाप पे आपने जो शुरुआत की और वो नागरिक पत्रकारिता थी उसकी बदौलत तमाम स्टोरियां लोगों ने की। इस दौर में हरिवंश जी के सानिध्य में या संसर्ग में जयप्रकाश जी के सचिव जगदीश बाबू का आना और वहाँ से एक नई राह निकलती है। बहुत सारे लोग संपर्क में आते हैं, आपके संसर्ग में आते हैं, बहुत सारी अनुभूतियाँ और अनुभव वहाँ से आपने अर्जित किए। उस पूरे समय में चंद्रशेखर जी के साथ अतिरिक्त सूचना सलाहकार या फिर डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में आपने काम किया, लेकिन इसके बावजूद पत्रकारिता का एक ऐसा मोह था जो छोड़ नहीं रहा था। धीरे 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 बिहार में रहते हुए 2014 में आपको राज्यसभा से नामित किया गया और 2018 में फिर उप सभापति आपको चुना गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, माधवराव सप्रे पत्रकारिता सम्मान, 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में आपको विशेष हिंदी सेवा सम्मान, और खास करके 141वें समागम या सम्मेलन में जब जेनेवा में आप थे और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो फिर से मुझे विवेकानंद याद आ रहे हैं। तब आपने भारत की विविधता और विभिन्नता को लेकर के जो चर्चाएं की हैं, निश्चित तौर पर हम जैसे युवाओं के लिए वो प्रेरणा का कार्य करेंगी, क्योंकि भारत की विविधता को लेकर के जिस तरीके की विभिन्नता समझाई जा रही है, शायद उस हायरार्की को लोगों ने समझा नहीं, क्योंकि जो पश्चिम या फिर पश्चिम की बौद्धिक खुराक से भारत की सरजमी को समझना या जानना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि पत्थर और जमीन की तासीर में फर्क होता है। वह जलवायु और उसी तासीर को समझते हुए हरिवंश जी ने यह समझाने की कोशिश की कि भारत की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता या फिर जो प्राकृतिक विविधताएं हैं वो हमारी ताकत है, विभिन्नता हमारी कमजोरी है, और हम विविधतावादी देश है, विभिन्नतावादी नहीं। इसे समझ ठीक उसी तरीके से जैसे परंपरा और आधुनिकता की हायरार्की को समझने में थोड़ी हम चूक कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे स्किल्ड और पॉपुलैरिटी के बीच का फर्क हम नहीं समझना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति स्किल्ड होता है तो निश्चित तौर पर उसकी पॉपुलैरिटी अस्थायी होती है, लेकिन जब आप पॉपुलर होते हैं तो फिर स्किल्ड होने में बड़ा वक्त लगता है। शायद मुझे लगता है कि हरिवंश जी पहले पके, उस अनुभव की आँच से अपने आप को तपाया, सीखा, जाना और पहले स्किल्ड हुए, अब पॉपुलर हुए हैं और शायद यह अस्थायी है। तो बता दूं कि दर्जन भर किताबें आपकी लेखनी और संपादकत्व में प्रभावित हुई, लेकिन आपने मिट्टी और उस जमीन की तासीर को हमेशा उसी सुगंध में महसूस करने की कोशिश की जैसे सत्यजीत रे निश्चिंदपुर के गांव को समझ रहे थे। आपने बिहार और झारखंड के समय, सवाल, यथार्थ और अस्मिता को केंद्र में रख करके जो पुस्तकें लिखी, उसके बाद चंद्रशेखर जी के सानिध्य में रहते हुए
उनके संवाद और उनके संसर्ग के जो भी अनुभव रहे उसके तीन खंडों में आपने विस्तारित किया और मेरे जेल डायरी के दो खंड शायद आप पढ़ें तो हरिवंश जी को समझने के लिए कभी हरिवंश जी को समझना नहीं पड़ेगा। वो किताबें बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश की उन तमाम परिस्थितियों सांस्कृतिक भौगोलिक या फिर राजनीतिक परिस्थितियों को समझाने के लिए काफ़ी हैं जिन सवालों को लेकर के आज हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आज हमारे बीच में आप हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत।